हर हर शंकर, जय जय शंकर। इतिहास का गवाह है महाराष्ट्र का बागेश्वर मंदिर। यह मंदिर साल के 8 महीने पानी में डूबा रहता है। पुणे के मावला स्थित बागेश्वर मंदिर को भक्तों के लिए अब खोल दिया गया है। लंबे समय बाद भक्त मंदिर जाकर भगवान महादेव के दर्शन कर रहे हैं। यह मंदिर ऐतिहासिक संदर्भ और वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह पावना बांध में स्थित है। बांध में होने के कारण यह मंदिर बरसात के मौसम में 8 महीने पानी में डूबा रहता है। इस मंदिर में श्रद्धालु केवल 4 महीने तक ही दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर को देखने के लिए राज्य के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। पावना बांध का निर्माण 1956 में किया गया था। बांध का उपयोग 1971 में शुरू हुआ। बांध में पानी जमा होने के बाद यह ऐतिहासिक मंदिर पानी में डूबने लगा। मंदिर केवल गर्मियों में 3 से 4 महीने के लिए पानी से बाहर रहता है। इस साल यह मंदिर मार्च के अंत में पानी से बाहर आ गया। यह मंदिर करीब 700 से 800 साल पुराना बताया जाता है। हिमाडपंती शैली में बना बागेश्वर मंदिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। संदोषणकर्ता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 11वीं या 12वीं शताब्दी में हुआ होगा। क्योंकि मंदिर में इस्तेमाल किए गए पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ ही मंदिर में कुछ शिलालेख भी मिले हैं। पूरा मंदिर पत्थरों से बना हुआ है। अब इस मंदिर की केवल छत ही बची है। प्राचीन मंदिर होने के कारण कई जगह से यह ध्वस्त हो चुका है। आसपास की दीवार के कुछ अवशेष ही बचे हैं। मंदिर का शिखर भी ढह गया है। केवल गर्भगृह ही फिलहाल अच्छी स्थिति में दिखता है। जानकारों का कहना है कि इस मंदिर और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच सीधा संबंध है। कोंकण सिंधुदुर्ग अभियान पूरा करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज बागेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। स्थानीय लोगों की तो यही मांग है कि पुरातत्व विभाग अब इस मंदिर का संरक्षण करे। बाबा ने चाहा तो हम स्वयं इस मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएंगे और आपको भी करवाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।